Please subscribe my channel and hit the bell icon to get more video updates. Namaste, sat sri akal, salam alaikum. आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मछली का कालिया, जो एक बंगाली रेसिपी है. आज मैं दिखाऊंगी आपको बना के. तो मैं यहाँ पे ली हूँ तिलापिया फिश कटा हुआ. आप इसमें कोई भी मीठा पानी का फिश यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रोहू, कतला, मतलब कोई भी रिवर फिश या तो पॉन फिश, लेक फिश, कोई भी मीठा पानी का मछली. और जैसे कि आप जानते हो बंगाली रेसिपी में पोटैटो मैंडेटरी है, तो मैं यहाँ पे उबला हुआ आलू ली हूँ जो मैं कट करके रखी हूँ. अनियन पेस्ट, प्याज का पेस्ट है, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट एक लार्ज टेबलस्पून. यहाँ पे मैं ली हूँ एक छोटा टमाटर का प्योरी. यहाँ पे मैं मिर्ची को स्लाइस करके रखी हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं ली हूँ जीरा पाउडर. मैं जनरली मसाला नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि जीरा पाउडर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और खाना भी अच्छा बन जाता है. यहाँ पे मैं ली हूँ नमक स्वाद अनुसार, फिर टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, ओके. यहाँ पे मैं चीनी ली हूँ और लास्ट में मैं ली हूँ चॉप्ड धनिया पत्ता, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मैं ली हूँ पत्ता, जिसमें हम डाइजेशन में हेल्प करता है ये माना जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले अपने जो मछली है उसको प्रिपेयर करूँगी फ्राइंग के लिए. तो यहाँ पे मैं हल्दी टैप कर दे रही हूँ हर एक मछली पे, और ये चीज़ मुझे करना है दोनों साइड में. तो मैं अभी फ्लिप करूँगी, एक साइड मेरा हो गया है, दूसरा साइड में भी मुझे हल्दी सेम तरीके से टैप करना है. ओके, सो ये मेरा हो गया. अब मैं डालूंगी नमक सेम तरीके से, दोनों तरफ मुझे नमक डालना है. ये आपको ध्यान में रखते हुए नमक डालना है कि ये बहुत ज़्यादा नमकीन ना हो जाए और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं. तो अपने हिसाब से आप नमक मिलाओ इसमें. तो ये मेरा जो नमक है ये मेरा मिल गया. अब मैं ली हूँ यहाँ पे सरसों का तेल, जो है मेरा हाफ कप, और मैं मेरा स्टोव ऑन कर दे रही हूँ. ये प्री हीटेड था, लेकिन मुझे दिखाने के लिए अभी मैं हीट कर रही हूँ फिर से. तो ये जो मैं रेसिपी बनाऊँगी ये अभी हाई फ्लेम में रहेगा मेरा, ठीक है. पहले मैं जो मेरा मछली है ये मैं डाल दी हूँ फ्राई करने के लिए, ठीक है. ये अच्छे से डीप फ्राई करना है मुझे, तो एक तरफ फ्राई होने के बाद इसको मैं पलट दे रही हूँ दूसरे तरफ फ्राई होने के लिए. आपको ध्यान में रखना है कि ये टूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट मछली है और ये टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ मैं जितना बचा पाती हूँ. तो अभी मेरा आप देख पा रहे हो कि ये डीप फ्राइड हो चुका है. अब मैं इसको उठा लूँगी एक प्लेट में. तो एक प्लेट में मैं ले चुकी हूँ. अब सेम प्रोसेस में मैं आलू को भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी. इसमें मैं हल्दी नहीं डालूँगी, लेकिन थोड़ा नमक ऑलरेडी मैं स्प्रिंकल करके रखी हूँ. तो इसको बस फ्राई करना है मुझे. ये ऑलरेडी बॉयल्ड है, तो मुझे और उबालना नहीं है और इसको नहीं पकाना है, बस मुझे फ्राई करके छोड़ देना है. और अगर आप ध्यान दिए हो तो मैं यहाँ पे जो मेरा तेल था जो मैं एकदम शुरू में ली थी वो मैं कहीं पे भी चेंज नहीं की हूँ. तो आप कोई भी आइटम बना रहे हो, अगर आप शुरू से लेके अंत तक सेम ऑयल यूज़ कर रहे हो, सेम तेल यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपका जो मछली का टेस्ट है वही बरकरार रहेगा. उसमें कोई दूसरा कुछ फ्लेवर मिक्स नहीं होगा, और ये टेस्ट में भी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा आलू बन चुकी है. मैं इसको सेम प्लेट में ले रही हूँ जहाँ पे मेरा मछली है. तो ये मेरा हो चुका है.
अभी मैं दूसरे जो रेसिपी है वो मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैं पहले डाल रही हूँ बेलीफ मेरा, फिर मैं थोड़ा चीनी डाल रही हूँ कार्बोनाइज होने के लिए। चीनी मेरा 1 टीस्पून काफ़ी है, 1 चाय चम्मच। एंड उसके बाद मैं डाल रही हूँ जो मेरा प्याज का पेस्ट है। मैं ये सारा प्रोसेस हाई फ्लेम में ही करूँगी, ठीक है। जब मुझे फ्लेम चेंज करना होगा मैं आपको बता दूँगी। तो अभी मैं अनियन को अभी फ्राई कर रही हूँ। ये जब तक मेरा आधा पक ना जाए तब तक मुझे यहाँ पे कढ़ाई में चलाना है। ये याद रखिए, आपको चलाना ही है, आप रुक नहीं सकते, नहीं तो ये स्टिक हो जाता है कढ़ाई में। अभी ये थोड़ा हो चुका है, मेरा आधा पक चुकी है। अब मैं जो मिर्ची का स्लाइसेस है वो मैं डाल दी हूँ। अब मैं डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो ये लो डाल दिए। और उसके बाद टोमेटो प्यूरी, उसके बाद टर्मरिक पाउडर, मेरा हल्दी पाउडर, ये मुझे लेना है 1/2 चाय चम्मच, ठीक है, वो उतना काफी है। और ये जैसे ही हो गया उसके बाद मैं मिलाऊंगी इसमें जीरा पाउडर। थोड़ा बहुत सॉल्ट भी डाल देते हैं क्योंकि मसाला में जो ग्रेवी में वो उसमें भी सॉल्ट चाहिए होगा। आप ये ध्यान में रखो कि आप मछली में भी सॉल्ट मिलाए हो एंड आलू में भी सॉल्ट मिलाए हो, तो उस हिसाब से ही सॉल्ट डालना अपने टेस्ट के हिसाब से जो ग्रेवी में जाएगा। तो ये मेरा मसाला बन चुकी है। आप देख पा रहे हो कि जो तेल है वो आ चुकी है, इसका मतलब मेरा मसाला अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, ठीक है। ये मेरा थोड़ा बहुत गर्म पानी है। आप कोई भी रेसिपी में अगर आप पानी डाल रहे हो तो ठंडा पानी से ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप गर्म पानी डालो उसमें टेस्ट में बरकरारी रहता है। और ये मेरा फ़िश कालिया है तो इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होता है। अब मैं मेरा जो पोटैटो, जो आलू है, जो मछली है, सारा मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। और इसको एक ढक्कन देके इसको ढक दूंगी करीब करीब 6 से 8 मिनट तक के लिए। ये मैं ढक्कन डाल दे रही हूँ। और अभी मैं अपने फ्लेम को हाई फ्लेम से लेके इसको लो फ्लेम में डालूंगी पकने के लिए। और उसके बाद मैं 6 से 8 मिनट तक वेट करूंगी। अब हो गया मेरा 8 मिनट और मैं इसको खोल रही हूँ देखने के लिए। ओ वाओ, आप देख पा रहे हो कि ये ऑलरेडी कलर पकड़ चुका है एंड ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। अब मैं फाइनली इसमें डालूंगी जो मेरा कटा हुआ धनिया पत्ता है वो। ये आप सर्व करते टाइम भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ा सर्व करके कैसा बना है। तो ये लो सर्व हो गया। ऐसा लग रहा है ना कि देख के ही खाने का मन कर रहा है, मुझे भी। तो ये आप ऐसे नॉर्मल राइस के साथ ले सकते हो, पुलाव के साथ ले सकते हो, ठीक है, जनरल राइस आइटम के साथ चलता है। तो आप भी ये घर पे ट्राई करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कैसा बना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब